Today we are going to start our next topic, educational psychology. Okay, we are going to start here topic of nature and scope of educational psychology. So first of all, we have to know what is psychology. Okay, I am explaining in Hindi because of Hindi medium students also. So both Hindi and English medium students will be benefited by this lecture. Okay. वॉट इज साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान क्या है ना? ये कह रहे हैं कि द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, साइकी एंड लोगोस। लोगोस आप जानते हैं, जहां कहीं भी आप पढ़ते हैं सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, सब में ये लोगोस आता है। तो लोगोस का मतलब है स्टडी और साइकी का मतलब है मन, यानी कि दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बोला है मन और अध्ययन, यानी मन का अध्ययन या मन का विज्ञान। ठीक, तो साइकी का मतलब ये मीन्स कह रहे हैं सोल, तो सोल का मतलब, एंड लोगो मीन साइंस, आप जान ही रहे। द साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट डिफाइंड एज द साइंस ऑफ सोल, यानी कि हम जब पहली बार शुरू शुरू में साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया, तो साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया कि ये साइंस ऑफ सोल है, मन का, आत्मा का विज्ञान है। ठीक, उसके बाद जैसे ये तो अर्लीस्ट डेफिनेशन है ना, फिर उसके बाद जैसे जैसे इसमें सुधार हुआ वो आपको बताया जाएगा। ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू अर्लियर साइकोलॉजिस्ट द फंक्शन ऑफ साइकोलॉजी वाज टू स्टडी द नेचर, ओरिजिन एंड डेस्टिनी ऑफ द ह्यूमन सोल। यानी कि शुरुआत में जो साइकोलॉजी का जो फंक्शन, जो एरिया था, जो स्कोप था, वो ह्यूमन सोल की नेचर, ओरिजिन और डेस्टिनी से जुड़ा हुआ था। लेकिन सोल क्या है, आप समझते हैं कि सोल क्या है? मेटाफिजिकल है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फिलोसफी में पढ़ा है ना, मेटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। अच्छा, आपको एक बात ही बताने की, ये भी है कि फिलोसफी से ही साइकोलॉजी का ओरिजिन हुआ है, इसलिए भी साइकोलॉजी शुरू शुरू में ह्यूमन सोल के विषय में जानना चाह रही थी, नेचर, ओरिजिन एंड डेस्टिनी ऑफ द ह्यूमन सोल। लेकिन चूंकि इसको ये मेटाफिजिकल हो गया, और इट कैन नॉट बी सीन, ऑब्जर्व एंड टच, एंड वी कैन नॉट मेक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन सोल, क्योंकि हम उसको छू नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, और ना ही उस पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन अनुप्रयोग किए जा सकते हैं। तो फिर आगे ये कैसे मॉडिफाई हुई, देखिए आगे। इन द 18th सेंचुरी साइकोलॉजी वॉज अंडरस्टूड एज द साइंस ऑफ माइंड, यानी अब ये माइंड का मतलब ये थोड़ा बहुत ब्रेन से रिलेटेड है, उसका अध्ययन कहा गया, उसका विज्ञान कहा गया। विलियम जेम्स ने कैसे डिफाइन किया 1892 में, उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। मैं कह रही हूँ ना कि माइंड का मतलब माइंड ऑब्लिक ब्रेन समझिए, तो मेंटल प्रोसेसेस मतलब उन्होंने कहा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, या मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। तो मानसिक प्रक्रियाएं कहाँ चलेंगी? ब्रेन में ही चलेंगी ना। बट द वर्ड माइंड इज ऑल्सो क्वाइट एम्बिगुअस है, तो माइंड से मतलब बहुत शक पैदा होता है, क्लियर नहीं है माइंड एग्जैक्टली, तो कंफ्यूजन बहुत हुआ नेचर एंड फंक्शंस ऑफ माइंड से। फिर आगे बढ़े हम लोग, जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी पहले साइंस ऑफ सोल, फिर साइंस ऑफ माइंड, और बाद में ये आया साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा जो नए आधुनिक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा ये चेतना का विज्ञान है। जेम्स सुली 1884 में डिफाइन कर रहे हैं साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड, यानी कि हमारा जो आंतरिक संसार है, हमारे अंदर की जो चेतना है, उसका विज्ञान जो है वो मनोविज्ञान है। विलियम वुंड 1892 डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस विच स्टडीज द इंटरनल एक्सपीरियंसेस, यानी कि आंतरिक अनुभवों का अध्ययन करने का विज्ञान ही साइकोलॉजी है। बट चेतना के भी क्या है, तीन लेवल है, बट देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें से कौन सा रहेगा, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस, यानी कि चेतन मन, चेतन से नीचे सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, अचेतन, अर्ध चेतन। तो चेतना के भी बहुत सारे स्तर हैं, तो हम अगर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी इसको मानते हैं, तो भी इतना क्लियर नहीं है कि हम किस तरीके की लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो फिर क्या हुआ, इसको क्या कहा गया, तो 10, ये मतलब कि कॉन्शियसनेस से भी क्लियर नहीं है, तो ये कहते हैं कि 10 साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड एंड देन इट्स कॉन्शियसनेस, यानी कि पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा खोई, फिर उसने अपना मन खोया, फिर उसने अपनी चेतना खोई। खोने का मतलब है कि हम सोल के हिसाब से भी इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये साइंस ऑफ सोल है, ये भी नहीं पर्टिकुलरली कहा जा सकता है कि साइंस ऑफ माइंड है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी नहीं है। तो क्या है, एट प्रेजेंट ओनली इट्स बिहेवियर एग्जिस्ट, इस समय, वर्तमान समय में, मतलब वर्तमान समय अभी नहीं, जिस समय की बात हो रही है, यानी कि कॉन्शियसनेस के बाद कहा गया कि जो मनोविज्ञान है वो सिर्फ व्यवहार है,
व्यवहार का विज्ञान है। विलियम मैकडूगल इसको डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। उसी तरह से पिल्सबरी और जेबी वॉटसन ने भी इसको साइंस ऑफ बिहेवियर कहा, यानी कि पहले कहा गया साइंस ऑफ सोल, फिर कहा गया साइंस ऑफ माइंड, फिर कहा गया साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और फिर साइंस ऑफ बिहेवियर पर आकर ये थोड़ा सा ठहरता है मनोविज्ञान, और इसपे बहुत सारे काम होते हैं और वो सिद्धांत जो आज भी फॉलो किए जाते हैं। ठीक, फिर क्या है, बिहेवियर जनरली मीन्स ओवर्ट एक्टिविटीज विच कैन ऑब्जर्व एंड मेजर्ड साइंटिफिकली। व्यवहार भी कौन सा व्यवहार, व्यवहार वो जो क्रियाएं हम बाहरी रूप से करते हैं जिसको कोई देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, मेजर कर सकता है, माप सकता है, और वो भी साइंटिफिकली मतलब वैज्ञानिक तरीके से। बट वंस बिहेवियर इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज एक्सपीरियंसेस, लेकिन किसी का भी व्यवहार जो है हमेशा उसके अनुभवों से प्रभावित होता है। अगर आज हमारा अनुभव कुछ खराब हुआ है तो हम खराब व्यवहार करेंगे, आज हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा घटित हुआ है तो हम बहुत अच्छे व्यवहार करेंगे, यानी कि हमारा मूड फ्लेक्सिबिलिटी रहती है यहाँ पे। तो व्यवहार को भी हम बहुत ज्यादा साइंटिफिक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ये आपको आगे पता चलेगा। सो व्हेन वी स्टडी वंस बिहेवियर वी मस्ट आल्सो स्टडी हिज एक्सपीरियंसेस। इसलिए जब किसी के व्यवहार का आपको अध्ययन करना है तो आपके उसको अनुभवों का भी अध्ययन करना होगा। तो अब क्या हुआ, सोल माइंड कॉन्शियसनेस की बात कहा गया, साइकोलॉजी शुड therefore be defined as a science of behavior and experiences on human beings। मतलब सिर्फ आप science of behavior नहीं कहेंगे बल्कि science of behavior and experiences कहेंगे। ये definition B.F. Skinner की है। B.F. Skinner बहुत बड़े psychologist हैं, बहुत बार आप इनका नाम psychology, educational psychology में पढ़ेंगे। फिर Crow and Crow कैसे define करते हैं, psychology is the study of human behavior and human relationship, यानी कि जो मनोविज्ञान है वो मनुष्य के व्यवहार और मनुष्य के संबंधों का अध्ययन है। अच्छा, तो ये तो एक प्रीवियस बेस आपका कि साइकोलॉजी क्या है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, क्यों, क्योंकि वी आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन में हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच द फाइंडिंग्स ऑफ साइकोलॉजी आर अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी कि हम जो ये मनोविज्ञान की वो शाखा है, शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के जो हमको फाइंडिंग्स मिली है, प्राप्तियां हुई है, हमको सिद्धांत पता चले हैं, हमको थ्योरीज पता चली हैं, उसको हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसका अनुप्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके हम शैक्षिक प्रगति हासिल कर सकते हैं, यही शैक्षिक मनोविज्ञान है। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग, यानी कि जब भी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करेंगे तो उसके बैकग्राउंड में एजुकेशन आना चाहिए, लर्नर आना चाहिए, टीचर आना चाहिए, तभी ये फुलफिल कर पाएगा अपने एम को। ठीक है, तो इसी तरह से चार्ल्स ई स्किनर डिफाइन करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन एजुकेशनल सिचुएशंस। यानी कि अगर डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स तक होता तब तो ये साइकोलॉजी होता, लेकिन वो इन एजुकेशनल सिचुएशंस जोड़ दिया तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन बन गई। ओके, दस एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरल साइंस विद टू मेन रेफरेंसेस, ह्यूमन बिहेवियर एंड एजुकेशन। यानी कि हमको दो मुख्य पहलू यहाँ ध्यान देने, मनुष्य का व्यवहार और शिक्षा। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, और डेफिनेशन है इन द वर्ड्स ऑफ ई ए पील, इन द वर्ड्स ऑफ ई ए पील, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये तो यही कहते रहे हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, शिक्षा का विज्ञान है। Education by all means is an attempt to mold and shape the behavior of the pupil. It aims to produce desirable changes in him for the all-round development of his personality. ये आप जानते हैं। ठीक, इसी तरह से एक आध definitions और हैं, आप इसको पढ़ लीजिए और आसानी से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी समझ सकते हैं। उसके बाद हो गया कि शिक्षा का शैक्षिक मनोविज्ञान है, मनुष्य के व्यवहार को हमको शैक्षिक कंडीशंस में समझना है, शैक्षिक परिस्थितियों में समझना है। फिर समझ कर क्या करना है, लास्ट वाला पैरा लीजिए, आपको इससे बेहतर कवर हो जाएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसर्न प्राइमरीली विद अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि हमको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मेन इंफेसिस अपना करना है। दैट टेक प्लेस विद इन फॉर्मल एनवायरमेंट्स, यानी कि हम क्लासरूम सेटिंग, स्कूल सेटिंग, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग की बात करें, इनफॉर्मल एनवायरमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं। एंड डेवलपिंग वेज ऑफ इंप्रूविंग दोज मेथड्स, यानी कि हमको वो तरीके सीखने हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, जिससे हम एजुकेशनल सेटिंग में टीचिंग और लर्निंग को बेहतर कर सकें, है ना। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, मेनली लर्निंग थ्योरीज, यानी कि अधिगम के सिद्धांत, यानी कि कैसे एक विद्यार्थी अधिगम करता है, मतलब सीखता कैसे, कौन से सीखने के तरीके हैं,
सीखने के नियम क्या है, अगर हम वो जानेंगे तभी हम अपने विद्यार्थियों को बेहतर सिखा पाएंगे। टीचिंग मेथड्स, शिक्षण के कौन कौन से तरीके हैं, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, यानी कि कैसे, आप सभी को पता है कि मोटिवेशन जब हमको मिलता है तो हम उस काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो कैसे एक शिक्षक छात्रों को बेहतर मोटिवेट कर सकता है। कॉग्निटिव इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक, संवेदात्मक और नैतिक विकास, यानी कि मनुष्य के ब्रेन में कैसे डेवलपमेंट होता है, इमोशंस उसके कैसे डेवलप होते हैं और नैतिक विकास उसमें कैसे होता है, एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एक्सेट्रा, यानी कि और भी बहुत कुछ इसी के तरीके का एजुकेशनल साइकोलॉजी के कार्य क्षेत्र में आता है, वो सारा कुछ, जिससे हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक मजबूत बना सकें, अधिक बेहतर बना सकें। ठीक, इन शॉर्ट इट इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट एड्रेसेस द क्वेश्चंस व्हाई डू सम स्टूडेंट्स लर्न मोर देन अदर्स, व्हाट कैन बी डन टू इंप्रूव दैट लर्निंग, मतलब कि इसमें हम किस तरीके के सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं कि क्यों कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थी दूसरों से अच्छा परफॉर्म करते हैं, दूसरों से जल्दी सीख जाते हैं, दूसरों से बेहतर सीखते हैं, हम क्या कर सकते हैं जिससे हम सीखने को बेहतर कर सकें, ये सब कुछ मूल प्रश्न है एजुकेशनल साइकोलॉजी के। नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब कि हमको पढ़ना है प्रकृति क्या है, किस तरीके का होता है शैक्षिक मनोविज्ञान, तो वो कह रहे हैं इसके बनाने वाले मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इट्स नेचर इज साइंटिफिक एज इट हैज बीन एक्सेप्टेड दैट इट इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, मतलब ये एक वैज्ञानिक, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है और ये प्रूवन है, सिद्ध किया जा चुका है, एक्सेप्ट किया जा चुका है कि ये साइंस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का विज्ञान है। वी कैन समराइज द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि हम शैक्षिक विज्ञान को शैक्षिक मनोविज्ञान को इस तरह से समराइज कर सकते हैं उसके नेचर को। सबसे पहली बात, एजुकेशनल साइकोलॉजी से साइंस, ठीक, तो साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब कि कोई भी ऐसा तरीका जो हम सिस्टमैटिक तरीके से करें और उसके बाद उसको इस तरीके से करें कि कोई भी उसको वेरीफाई कर सके कि सिमिलर कंडीशंस में, सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में, सिमिलर लैब कंडीशंस में अगर हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, तो वो सब साइंस है। यही कह रहा है कि साइंस इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी कंसर्न विद ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरीफाइबल जनरल लॉज, है ना, यानी कि हम जिसमें फैक्ट्स का ऑब्जर्वेशन कर सकते, मतलब हवा में बात नहीं करता है साइंस, साइंस प्रूवन है, फैक्ट है, थ्योरी है, टेस्टिफाइबल है, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, उसको जनरलाइज कर सकते हैं, है ना। साइंस इंप्लॉयज सर्टेन ऑब्जेक्टिव मेथड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, इट हैज इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग, प्रेडिक्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ इट, ठीक, इतना आप समझ सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, लाइक एनी अदर साइंस एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज ऑल्सो डेवलप्ड ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, कह रहे हैं किसी भी और विज्ञान की तरह शैक्षिक मनोविज्ञान ने भी कलेक्शन ऑफ डेटा यानी कि आंकड़ों के संग्रह के लिए ऑब्जेक्टिव मेथड्स डेवलप किए हैं। ऑब्जेक्टिव मेथड मतलब कि मैं डेटा कलेक्ट करूं या आप डेटा कलेक्ट करें, वो ऑब्जेक्टिव मेथड है तो आप सिमिलर रिजल्ट पे पहुंचेंगे, यानी मेरा और आपका अनुभव उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जब आपका और मेरा अनुभव इन्वॉल्व नहीं होगा, इन्वॉल्व होगा तो उसको सब्जेक्टिव कहते हैं, जब इन्वॉल्व नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव को वस्तुनिष्ठ कहते हैं, सब्जेक्टिव को व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं, यानी व्यक्ति की निष्ठा नहीं आ रही और वस्तु की कोई निष्ठा होती नहीं, ठीक। अच्छा, इट ऑल्सो एम्स एट अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर, ओके। फिर पहले कहा गया कि ये एक साइंस है, फिर कहा गया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी से नेचुरल साइंस, मतलब साइंस तो है लेकिन प्राकृतिक विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान नहीं है, है ना। ये कह रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट conducts his investigations, gathers his data and reaches his conclusions in exactly the same manner as the physicist or the biologist, है ना। यानी कि एक बायोलॉजी का जंतु विज्ञानी, जीव विज्ञानी जिस तरीके से डेटा कलेक्ट करता है, जिस तरह से कंक्लूजन पे पहुंचता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही शैक्षिक मनोविज्ञानी भी करता है। उसके बाद इसमें इंप्रूवमेंट हुआ और कहा गया कि साइंस है, फिर कहा गया नेचुरल साइंस है, फिर कहा गया ये सोशल साइंस है, है ना। ये कह रहे हैं कि लाइक द सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट, द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडीज ह्यूमन बींग्स एंड देयर सोशियबिलिटी। क्यों सोशल साइंस है, क्योंकि इनका सारा कुछ लेना देना किससे है, ह्यूमन बींग से, और ह्यूमन बींग्स क्या है, सोशल है। अगर वो कह रहा है ना कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का भी आपको अध्ययन करना है, तो जब मनुष्य और मनुष्य के संबंधों का अध्ययन करना है तो ये क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान हो जाएगा एक प्रकार का। फिर उसके बाद और भी इसमें आगे सुधार हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, फिर कहा गया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी से पॉजिटिव साइंस, वो कह रहे हैं ये एक धनात्मक विज्ञान है। धनात्मक विज्ञान का मतलब क्या है, नॉर्मेटिव साइंस लाइक लॉजिक और एथिक डील्स विद फैक्ट्स एज दे ऑट टू बी, है ना। ऑट टू बी का मतलब कि जो भी आपका ये इथिक्स है वो ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए,
हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, वो नॉर्मेटिव साइंस बताता है। और पॉजिटिव साइंस क्या बताता है? ए पॉजिटिव साइंस डील्स विद फैक्ट्स एज दे आर और एज दे ऑपरेट, मतलब वो बताता है कि चीजें कैसी हैं, वो पॉजिटिव साइंस बताता है। नॉर्मेटिव साइंस बताता है चीजें कैसी होनी चाहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द चाइल्ड्स बिहेवियर एज इट इज नॉट एज इट ऑट टू बी, मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन करता है कि बालक का व्यवहार कैसा है, वो ये अध्ययन नहीं करता है कि बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसलिए आप इसको पॉजिटिव साइंस की श्रेणी में रख सकते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड साइंस, यानी कि ये कैसा है, अनुप्रयोगिक विज्ञान है। या क्यों? क्योंकि हम इसमें साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में अप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए इसको अप्लाइड साइंस कह सकते हैं आप। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी ट्राइज टू स्टडी द बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द प्यूपिल्स। ठीक है, एज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इट इज पैरेलल टू एनी अदर अप्लाइड साइकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशनल साइकोलॉजी ड्रॉज हैवीली फैक्ट्स फ्रॉम सच एरियाज एज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड सोशल। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि चूंकि हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एजुकेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए अप्लाइड साइंस हो गया। और हम सिर्फ साइकोलॉजी की भी ब्रांचेज है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को भी इंक्लूड करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, कहीं कहीं हम क्लिनिकल साइकोलॉजी का सहारा लेते हैं, कहीं हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं, कहीं हम सोशल साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सबका हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में एप्लीकेशन शो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, अप्लाइड साइंस हो गया। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस, यानी कि ये ऐसा विज्ञान है जो सतत विकास कर रहा है, सतत इसमें बढ़ोतरी हो रही है, प्रगति हो रही है, इसलिए आप इसको डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस भी कह सकते हैं, है ना। इट इज कंसर्न विद न्यू एंड एवर न्यू रिसर्चेस, क्योंकि जैसे जैसे साइकोलॉजी में नई रिसर्चेस हो रहे हैं उनको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं, है ना। एज रिसर्च फाइंडिंग्स एक्यूमुलेट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट गेट बेटर इनसाइट इनटू द चाइल्ड्स नेचर एंड बिहेवियर। जैसे जैसे नई रिसर्चेस सामने आ रही हैं, वैसे वैसे हम और बेहतर तरीके से जान पा रहे हैं कि बालक का व्यवहार कैसा है, बालक की प्रकृति कैसे है, कैसे हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, कैसे हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक, फिर उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, आसान है, कोई ऐसा उसमें समझाने लायक बात नहीं। ठीक है, तो मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइंस कहा गया, नेचुरल साइंस कहा गया, सोशल साइंस कहा गया, अप्लाइड साइंस कहा गया, पॉजिटिव साइंस कहा गया, और डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस कहा गया, मतलब कि ये एक साइंस है। ठीक, ये तो हो गई इसकी प्रकृति, पर अब हमको जानना है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है, मतलब कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जिनसे शैक्षिक मनोविज्ञान सरोकार रखता है, जो उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे पहला सरोकार एजुकेशनल साइकोलॉजी को जिससे है, वो है लर्नर, यानी कि वो जो सीखने आया है, आपका विद्यार्थी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज निटेड अराउंड द लर्नर, यानी कि ताना बाना इसका सारा सारा लर्नर के इर्द गिर्द घिरा हुआ है। देयरफॉर द नीड ऑफ नोइंग द लर्नर एंड द टेक्निक्स ऑफ नोइंग हिम वेल, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा हम लोग इस पर एम्फेसिस करते हैं कि हम लर्नर को जान सकें, हम जान सकें कि छात्र क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, और फिर हम और ज्यादा उसको बेहतर जानने की तकनीकों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, innate abilities and capacities of the individuals, है ना, कि उसकी आंतरिक निहित योग्यता क्या है, क्षमताएं क्या है, individual differences, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके कोर्स में भी है, इसको फिर हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी, हर छात्र, हर इंडिविजुअल दूसरे से अलग है, और इस अलग, इस डिफरेंस का हमको सम्मान करना है, और हमको अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी इस तरह से शेड्यूल करनी है कि हर इंडिविजुअल लाभान्वित हो सके। एंड देयर मेजरमेंट्स द ओवर्ट कोवर्ट कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑफ द लर्नर, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ईच स्टेज बिगिनिंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, यानी कि बचपन से बाल्यावस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक हमको उसकी सारी स्टेजेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए उसका ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होते हैं, तभी तो हम अपनी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से कर पाएंगे ना। लर्नर का बिहेवियर क्या है, उसका कॉन्शियस बिहेवियर क्या है, अनकॉन्शियस बिहेवियर क्या है, ओवर्ट जो दिख रहा है, कोवर्ट जो नहीं दिख रहा है, वो सारा कुछ हमारे इसके स्कोप के अंतर्गत आता है। तो लर्नर पर सबसे ज्यादा एम्फेसिस एजुकेशनल साइकोलॉजी करती है। ओके, फिर द लर्निंग एक्सपीरियंसेस,
यानी कि अभी कहा गया ना कि आप सिर्फ बिहेवियर की बात करेंगे तो नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि बिहेवियर किस पर डिपेंड है? एक्सपीरियंस डिपेंडेंट है, एक्सपीरियंसेस पे. तो हमको लर्नर के एक्सपीरियंसेस भी देखने होंगे. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर डिजायरेबल. तो हम क्या कर सकते हैं एज ए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, कि हमको ये पता चल जाए कि कौन से अनुभव हैं जो वांछनीय हैं, जो वांछित हैं, तो हम उसको उसी प्रकार का अनुभव देने की कोशिश करेंगे ताकि उसका बिहेवियर बेहतर हो, और जो अनडिजायरेबल एक्सपीरियंसेस है उसको ना दिए जाए. फिर क्या है लर्निंग प्रोसेस, यानी कि सबसे पहले हम इम्फेसिस करते हैं लर्नर पे, फिर हम इम्फेसिस करते हैं लर्नर एक्सपीरियंस पे, और फिर हम इम्फेसिस करते हैं लर्निंग प्रोसेस पे, यानी कि जो अधिगम की प्रक्रिया है. आफ्टर नोइंग द लर्नर एंड डिसाइडिंग व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड, एजुकेशनल साइकोलॉजी मूव्स ऑन टू द लॉज, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग. यानी कि अधिगम की कौन से सिद्धांत हैं, कौन से नियम हैं, ये हमको पता होना चाहिए, तभी हम अधिगमकर्ता की मदद कर पाएंगे. अदर आइटम्स इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि सीखने की नियम के अलावा हमको क्या क्या इसमें पढ़ना है, रिमेम्बरिंग याद कैसे होता है, फॉरगेटिंग व्यक्ति भूलता कैसे, परसीविंग यानी कि हम किसी चीज को कैसे ग्रहण करते हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशन किसी भी कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट हमारे दिमाग में किस तरीके से फॉर्म होता है, थिंकिंग हम सोचते कैसे हैं, रीजनिंग हमारे दिमाग में लॉजिकल प्रक्रिया कैसे चलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर हमारे पास कोई समस्या आती है तो समस्या का समाधान हम कैसे करते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या एक जगह सीखा हुआ हम दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं और अगर करते हैं तो ये ट्रांसफर कैसे होता है, वेज एंड मीन्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एटसेट्रा, यानी कि अधिक बेहतर इफेक्टिव सीखने के कौन से तरीके और साधन हैं. ठीक है, अच्छा तो हमने लर्नर को जान लिया, लर्नर एक्सपीरियंसेस को जान लिया, लर्निंग प्रोसेसेस को जान लिया, और अब हमको जानना क्या है, लर्निंग सिचुएशन. तो लर्निंग सिचुएशन किस पे डिपेंड करेगी, वो वातावरण जहां पर हम लर्निंग कर रहे हैं. तो हेयर वी डील विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड लर्निंग सिचुएशंस व्हिच कम मिडवे बिटवीन द लर्नर एंड द टीचर, यानी कि शिक्षक और अधिगमकर्ता के बीच में क्या है, वातावरण है, तो उसको भी स्टडी करना पड़ेगा. तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, क्लासरूम क्लाइमेट, यानी कि हमारी कक्षा का वातावरण कैसा है, क्या ऑटोक्रेटिक है, मतलब टीचर इतना आपको भयभीत रखता है कि आप उससे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, या डेमोक्रेटिक है, मतलब सभी को अनुमति है कि जो जिसको जहां कोई प्रॉब्लम हो रही है वो पूछ सकता है, या लेसेस फेयर है, मतलब किसी को कोई मतलब नहीं, कोई आ रहा है कब आ रहा है कब जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं, कौन से तरीके का क्लासरूम क्लाइमेट है. ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, समूह गतिकी एक पूरा अपना अलग टॉपिक होता है कि समूह जो क्लासरूम है उस कैसा समूह है, उसमें आपस में विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान है नहीं है क्या है. ठीक, टेक्निक्स एंड एड्स दैट फैसिलिटेट लर्निंग एंड इवेल्युएशन, वो कौन सी प्रविधियां हैं, वो कौन सी एड्स हैं जो हम जिससे हम अपनी लर्निंग मतलब छात्र की लर्निंग को सुधार सकते हैं, इवेल्युएशन बेहतर कर सकते हैं, टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक्सेट्रा, बहुत कुछ है इसमें. ठीक है, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा. फिर हमको टीचर को भी जानना, क्योंकि टीचर ही वो है जो सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है. तो टीचर कैसा है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, वो अगर ठीक होगा तभी वो बेहतर तरीके से छात्रों को डिसेमिनेट कर पाएगा लर्निंग. हाँ, इन्फॉर्मेशन, द टीचर इज अ पोर्टेंट फोर्स इन एनी स्कीम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, इट डिस्कसेस द रोल ऑफ द टीचर, इट एम्फसाइजेस द नीड ऑफ नोइंग थाइसेल्फ फॉर अ टीचर टू प्ले हिज रोल प्रॉपरली इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. मतलब कि शिक्षक जो पहले अपने आप को जाने, उसका कोई अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ गड़बड़ है, वो एनेक्शियस है, उसका एडजस्टमेंट ठीक से नहीं है वर्क प्लेस पे, तो वो कभी आपको बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा सकता है. फिर कह रहे हैं कि दो द इंटायर स्कोप ऑफ एजुकेशनल इज इंक्लूडेड इन द अबव मेंशन की फाइव की फैक्टर्स, इट मे बी फर्दर एक्सपेंडेड बाय एडिंग द फॉलोइंग, यानी कि ऊपर के जो पांच हमारे बताए गए फैक्टर्स, यानी कि लर्नर, लर्नर एक्सपीरियंस, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग एनवायरमेंट और टीचर, ये आपस में काफी समेकित कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप को. लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जिनको भी इंक्लूड किया जा सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप में, जैसे क्या है, ह्यूमन बिहेवियर, है ना, इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशंस, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर. फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमको ये पढ़ना है कि वृद्धि और विकास कैसे हो रहा है. फिर इसके अलावा क्या, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये आप पढ़ेंगे, ये बहुत लंबा का विवाद का विषय रहता है, नेचर वर्सेस नर्चर, यानी कि क्या प्रकृति ज्यादा योगदान देती है आपकी पर्सनैलिटी निर्माण में या आपके जीन्स. ठीक, तो इसका विवाद क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व का विकास और उसकी प्रकृति क्या है, और इंडिविजुअल डिफरेंस,
यानी कि जो भी बात की कि हर बंदा हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है तो इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या रोल है लर्निंग में। फिर इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट, इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमको आपकी आईक्यू लेवल के हिसाब से ही आपको शिक्षा देनी है। अगर किसी बिलो एवरेज बच्चे को आप बहुत फास्ट स्पीड से पढ़ाएंगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा, अगर किसी गिफ्टेड चाइल्ड को आप रिपीटिटिवली मोनोटोनस तरीके से पढ़ाएंगे तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो इंटेलिजेंस लेवल का जानना बहुत जरूरी, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि आप बच्चे को गाइड कर सकें, उसकी काउंसलिंग कर सकें कि उसको किस समय पर क्या करना है, ये सब कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप में आता है। ठीक, आई थिंक खत्म। यस, तो आज हम लोगों ने अपना एजुकेशनल साइकोलॉजी का पेपर शुरू कर दिया है, जिसमें हमने यहाँ से शुरू किया है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ एजुकेशनल, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आई होप ये बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी, एजुकेशनल साइकोलॉजी मेरा बहुत पसंदीदा विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको आसानी से समझ में आएगा, आप इसको और बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस विषय में बहुत सारा मैटर आपको और मिल जाएगा। ठीक, ये आपके समझाने के लिए इतना काफी है। ओके, डन।